गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस 13th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसे हम स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करेंगे। ये एग्ज़ाम में भी स्टेटमेंट एंड प्रूफ कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के रूप में आती है। तो पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे और फिर उसका प्रूफ करेंगे। इसमें स्टेटमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल थ्योरम इज लेट एफ जेड इज एनालिटिक विथ अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी। इफ सी इज क्लोज कंटूर लेइंग इन जी, देन प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि एफ जेड हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है किसी भी क्लोज कंटूर के अंदर, और एफ डैश जेड कंटिन्यूस है। इसका जो डेरिवेटिव है एफ का, एफ डैश जेड, वो कंटिन्यूस है। तो उसके लिए हमें प्रूव करना है इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे कि गिवन क्या है हमको, एफ जेड इज एनालिटिक एंड कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट, सॉरी, कंटिन्यूस डेरिवेटिव है तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, यदि एफ डैश जेड एग्जिस्ट है तो एफ डैश जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। अब सी आर इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, तो मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देती हूँ। सी आर इक्वेशन इज कॉशी रीमान इक्वेशन है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, आप उसे मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो ये होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब हम इन दोनों कॉशी रीमान इक्वेशंस को यूज़ करके हम इस थ्योरम को सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए अब हम प्रूव करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड विथ कंटूर सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये प्रूव करना है हम, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, अब हम इसमें क्या रखें, हमें पता है कि एफ जेड इक्वल टू, सॉरी, अब हमें पता है एफ जेड यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आयटा वी एंड जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयटा वाई। तो हम यहाँ पर एफ जेड में यू प्लस आयटा वी और इसको जेड है, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो एफ जेड चाहिए जो ये रहा, अब हमें डी जेड चाहिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो गया डी एक्स प्लस आयटा ऑफ डी वाई, इसको हम इसमें रख देंगे। तो इज इक्वल टू, ये हमारी सपोज करें इक्वेशन नंबर वन है यहाँ पर, ये हमारा पूरा इक्वेशन टू है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू की वैल्यूज़ को इक्वेशन वन में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी यू प्लस आयटा वी इंटू डी एक्स प्लस आयटा डी वाई, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, खोल देंगे, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स, इसको इससे गुणा किया यू डी एक्स, फिर इसको इससे किया प्लस आयोटा यू डी वाई
प्लस आयोटा वी डी एक्स माइनस वी डी वाई। यहाँ पर आयोटा वी और आयोटा डी वाई को मिला के आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया, तो ये हमारे पास ये आ गया विच इज़ इक्वल टू। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल सी लिखेंगे सब में, इंटू सी। तो ये हमारे पास क्या आया, यू माइनस वी, सॉरी यू डी एक्स, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा यू डी वाई माइनस वी डी एक्स, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पर डी एक्स डी वाई, तो इसको भी हम सेट करेंगे नेक्स्ट टर्म में, तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा बाहर निकाल देंगे यू सॉरी वी डी एक्स माइनस बाहर निकाल दिया हमने, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये है यू डी वाई प्लस, दोनों आयोटा के प्लस में है तो यहाँ प्लस में, तो ये आएगा यहाँ पर प्लस ये वी डी एक्स माइनस यू डी वाई, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम ये जो हमारी समीकरण मिली है इसमें हम ग्रीन थ्योरम लगाएंगे, तो जो कि इंटीग्रल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ी होगी। तो हम लिखेंगे ग्रीन्स थ्योरम तो ग्रीन्स थ्योरम क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये वाली हमारे पास जो है ये कुछ इसी तरह से है डी एक्स और डी वाई, ये भी डी एक्स और डी वाई, तो ये होती है हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल हो जाता है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड है और इसको हम इक्वेशन नंबर फोर्थ दे लेते हैं। अब ये देखिए कि हमको यहाँ पर ये वाली टर्म यूज़ करनी है, तो यूज़ करने के लिए यहाँ पर यू डी एक्स, तो यहाँ पर इस वाली टर्म में हमारे पास p बराबर क्या है u, इस वाली टर्म में q बराबर हमारे पास है माइनस ऑफ v, यहाँ पर p बराबर v बराबर कितना है p डी एक्स, तो v बराबर क्या है p एंड q डी एक्स, तो ये q बराबर कितना है u, तो ये यहाँ से हम डेल क्यू ओवर डेल एक्स और ये सब अपनी हम लिखेंगे इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, अब हम इक्वेशन थ्री में इक्वेशन फोर का यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा डबल इंटीग्रल ऑफ माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई प्लस आयटा डबल इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल डेल वी सॉरी डेल यू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब ये मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ वापस से, ये देखिए यहाँ पर है ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो यहाँ पी डी एक्स माइनस क्यू डी वाई, तो इसको माइनस को वी को हम इधर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास पहली टर्म का क्या आ जाएगा डेल क्यू ओवर डेल एक्स, तो डेल क्यू है यहाँ पर माइनस, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया, माइनस ऑफ डेल पी और डेल, तो पी क्या है यू, तो डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा, प्लस इस दूसरे वाले में पी बराबर क्या है वी, तो यहाँ पर और क्यू बराबर क्या है यू, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जो मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा है।
इसको हम सिंप्लीफाई करें, दैट इम्प्लाइज माइनस ऑफ, या यहाँ माइनस मत निकालिए इसको, यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए। मैं इसको अब हम इसमें, इस वाली इक्वेशन में अब हम सी आर इक्वेशन लगाएंगे, सी आर इक्वेशन लगाने पर इक्वेशन नंबर फाइव में ठीक है। अब इसमें हम सी आर इक्वेशन लगाएंगे तो ये देखिए सी आर इक्वेशन मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ आपके पास। तो यहाँ पर है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एक तो ये थी, दूसरी डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स थी। इसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था आपको पिछली बार, मैं दोबारा से बताती हूँ। अगर हमारे पास सीधा है एक्स और वाई तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। अगर हमारे पास ये क्रॉस में है दिस, तो हमारे पास ये माइनस साइन के साथ आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, दैट इम्प्लाइज डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का, इसकी जगह हम रखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये हमारे पास में आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। हम ये वाली भी लगा सकते हैं, यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स वाली डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया हमारे पास। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई ये वाली भी हम लगा सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये वाली यहाँ पर दोनों में से कोई सी भी लगा देंगे हम तो हमारे पास ये ज़ीरो आएगा। प्लस आयटा डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई क्या है हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू क्या आया ज़ीरो। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ कंटूर इंटीग्रल के साथ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम है जो ये कहती है कि अगर फंक्शन हमको एनालिटिक दिया है या डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस है तो इसका जो कंटूर इंटीग्रल होता है एफ जेड डी जेड वो हमेशा ज़ीरो के बराबर।